श्री इम्तियाज़ जलील जी अध्यक्ष महोदय चौदह सितंबर उन्नीस को जब हमने द फैमिली कोर्ट्स एक्ट बनाया तो उसका मकसद ये था कि हम कंसीलिएशन के ज़रिए यानी कि हम बातचीत के ज़रिए समझौता के ज़रिए मामलों को निपटा सके यह एक्ट 1984 में बनाया गया था आज तकरीबन 40 साल के बाद अगर हम सब ये सवाल करें अपने आप से कि क्या ये एक्ट बनने के बाद हमने इस एक्ट के ज़रिए फैमिली कोर्ट में जितने भी मामले आए हैं उनको इंसाफ दिलाने के अंदर हम कामयाब हुए हैं तो दुर्भाग्यवश मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जवाब नहीं होगा वरना आज 40 साल के बाद करीब 12 लाख जो फैमिली कोर्ट के मैटर्स है वो अदालतों के अंदर इंसाफ का इंतजार नहीं कर रहे होते एक्ट बनाना बहुत आसान है लेकिन एक्ट बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी इस सदन की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर नजर रखना वरना एक्ट तो बन गया लेकिन आज क्या वजह है कि इस 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर महज 715 फैमिली कोर्ट चलाए जा रहे हैं मैं फैमिली कोर्ट का मकसद मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस बात के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय फैमिली कोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पति पत्नियों का विवाद कि बच्चा किसके कब्जे में जाएगा बच्ची किसके कब्जे में जाएगी एलिमनी की अमाउंट कितनी होगी कब दी जाएगी कैसे दी जाएगी घर किसके कब्जे में जाएगा किसके हिस्से में जाएगा फैमिली कोर्ट का मतलब हम सिर्फ यही समझते हैं और बहुत सारे जितने भी सन्मान्य सदस्यों ने कहा है इन्हीं का उदाहरण दिया है मैं मंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा हम एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहां एक नई संस्कृति को हम देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं तो इस देश के अंदर बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खोले जा रहे हैं वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं क्या इनके लिए कोई कानून है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है जब वो बूढ़े हो गए बच्चे की शादी हो गई तो बहू को माँ बाप पसंद नहीं आ रहे अपने सास ससुर पसंद नहीं आ रहे बेटा अपने माँ बाप को बोझ समझ रहा है और एक दिन दोनों बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप को उठाते हैं ले जाते हैं और जिस तरह घर का कचरा उठाकर हम बाहर फेंक देते हैं तो हम उन्हें ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं मैं तमाम सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा मैं भी दिवाली के वक्त औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के वो एक ओल्ड एज होम में गया था मंत्री जी हैरानी हुई वहां पर देखकर कि एक रिटायर्ड जज एक रिटायर्ड जज वहां पर उस ओल्ड एज होम में है मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने उसका नाम सुना कि उसके बेटे इतना बड़ा घर है ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है कि आप मां बाप को पाल नहीं सकते हैं लेकिन एक रिटायर्ड जज भी उस ओल्ड एज होम में जब हमने देखे तो तब समझ में आया कि ये समाज कहां जा रहा है करके तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए फैमिली कोर्ट के जरिए पति पत्नियों का विवाद तो जो है ये जिंदगी भर चलता रहेगा इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन वो बूढ़े माँ बाप कहां जाएंगे फैमिली कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा सेक्शन लाया जाए कि जो बेटा अपने माँ बाप को कूड़ादान समझकर कचरा समझकर ओल्ड एज होम में डाल रहा है उसे अखबार के अंदर एक नोटिफिकेशन अपनी तस्वीर के साथ अपनी फोटोग्राफ के साथ उस अखबार में उसे यह नोटिफिकेशन देना होगा कि मैं अपने मां बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहा हूं ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों को समाज के सामने हमें खड़ा करने की जरूरत है लाइए कानून वरना वो बूढ़े माँ बाप जो रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई कानून नहीं है उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया पुणे में किसी ओल्ड एज होम के अंदर जाइए ज्यादातर वो परिवार के बूढ़े मां बाप मिलेंगे कि जिनके बच्चे इंजीनियर हो गए इंजीनियर होने के बाद वो यूएस में पैसा कमाने के लिए गए पैसा कमा रहे हैं लेकिन माँ बाप के लिए एक कमरे का घर नहीं है तो ओल्ड एज होम में लेकर जाकर छोड़ रहे ये एक संस्कृति हम डेवलप कर रहे हैं फैमिली कोर्ट्स के जरिए मैं मंत्री जी आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा या आप कुछ ऐसा कानून इन लोगों के लिए भी लेकर आइए जो बच्चे अपने माँ बाप को आज यहां पर ले जाकर छोड़ रहे हैं मैं मंत्री जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा अदालतें तो बन जाएगी फैमिली कोर्ट्स का ये जो आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड से ताल्लुक है बहुत सारे जितने भी सन्मान्य सदस्य हैं उन्होंने यही कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड नागालैंड का एक्ट कब बना था नागालैंड का एक्ट 2000 2008 के अंदर बना है अगर यहीं पे अगर हम इतना डिले कर रहे हैं कि पुराने फैसले जो विदाउट पार्लियामेंट के पास किए गए हैं आज अगर इतने सालों के बाद हम ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि नागालैंड के 2008 के बाद जितने भी जजेस ने फैसले दिए हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम इसको आज के दिन पास कर रहे हैं यानी कि गलती अगर हमारे पास से ही हो रही है तो हम उन अदालतों से कैसे इंसाफ की गुहार लगाएंगे अदालत एक्ट बनाना बहुत आसान है मैं मंत्री जी आप कुछ दिन पहले औरंगाबाद आए थे वहां पर आपको लॉयर्स एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम दिया है अगर से महाराष्ट्र की अदालतों की अगर हम बात करते हैं 91 वन सैंक्शन पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है अध्यक्ष महोदय 91 वन पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है उसमें से महज 56 सिक्स जजेस है यानी कि वेकेंसी आप देख लीजिएगा कि तकरीबन 40 परसेंट वेकेंसी है अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं हाई कोर्ट के जजेस जब अपॉइंट किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलिजियम इसे डिसाइड करता है यह पूरा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपना रिकमेंडेशन दे चुका है क्या वजह है कि सरकार ने इसे इतने सालों से रोक रखी है क्यों नहीं आप अगर ये मानते हैं सभी लोग कह रहे हैं कि पेंडिंग केसेस है तो सरकार की क्या मजबूरी है कि हाई कोर्ट के जजेस जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन भेज चुका है तो सरकार क्यों रोक रही है हम भी जानते हैं विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि क्यों रोका जा रहा है करके लेकिन आज जब आप जवाब देंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप आप इन फैमिली के के अलावा क्योंकि आज एक्ट तो अपने आंकड़ों जरिए पास कर लेंगे लेकिन सिर्फ इमारत बनाने से इंसाफ नहीं मिलेगा उस इमारत के अंदर उस कुर्सी के ऊपर बैठने वाले ये सदन कोई मायने नहीं रखता है अगर वो ये स्पीकर की कुर्सी खाली रही तो वो स्पीकर की कुर्सी जितनी महत्वपूर्ण सदन के लिए है उसी तरह अदालतों के अंदर जजेस की कुर्सी भी बहुत मायने रखती है लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि नहीं इतने करोड़ केसेस पेंडिंग है तो कौन उसका निपटारा करेगा आप ही करेंगे मंत्री जी आप ही को करना है और अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपना महाराष्ट्र के जजेस का रिकमेंड कर चुका है तो सरकार उसे क्यों रोकी है इसका जवाब भी आपको देने की जरूरत है आपने एक ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आए थे इसके जरिए यह भी फैमिली कोर्ट का मैटर है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उस वक्त फैमिली जब ट्रिपल तलाक का मामला आया था तो बहुत सारे लोगों ने चीख चीख कर कहा था कि हमें मुस्लिम बहनों के साथ इंसाफ करने की जरूरत है आज वो फैमिलीज भी आपसे पूछना चाहती है ये एक्ट आपने बनाया आंकड़ों के जरिए हमारे विरोध होने के बावजूद आपने एक्ट बनाया अब आपकी जिम्मेदारी है ये बताएं कि एक्ट बनने के बाद कितनी मुस्लिम बहिनों को आपने इंसाफ देने का काम किया है ये उम्मीद करते हैं धन्यवाद थैंक यू